अब आगे बढ़ते हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय खटीमा के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम धामी 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम में यहां पर शरीक होंगे। चट्टिया फार्म गांव में स्थित इंटर कॉलेज में वो एक कार्यक्रम होना है जिसमें शामिल होने वाले हैं। बाकी सभी 69 विधानसभा से भी वर्चुअली जो नेता हैं वो कनेक्ट होंगे। 5 साल बेमिसाल कार्यक्रम के जरिए सीएम धामी पूरे प्रदेश में वर्चुअली जुड़ेंगे। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि अलग अलग हिस्सों में जो भी तमाम कार्यक्रम अब होंगे वो वर्चुअली ही होंगे और भाजपा सरकार के कार्यकाल की पूरी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों के लोगों को देते रहेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और ऐसे में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, पाबंदियां हैं कि फिजिकल तौर पर नहीं रैलियां होंगी बल्कि वर्चुअल माध्यम से तमाम रैलियां की जाएंगी या फिर तमाम जो कार्यक्रम होंगे वो होंगे। कार्यक्रम के जरिए वर्चुअल माध्यम से लोगों को जानकारियां साझा की जाएंगी। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। विनोद, देखिए आज खटीमा के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से वहां के लोगों को भी और आसपास के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वो जानकारी देंगे अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में। देखिए, राज्य सरकार के 5 साल होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज प्रदेश भर की 70 विधानसभा में भाजपा की ओर से जश्न मनाया जा रहा है और 70 विधानसभाओं में पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के मंत्री, अलग अलग वरिष्ठ पदाधिकारी अपने अपनी विधानसभाओं में जश्न मना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से खटीमा विधानसभा क्षेत्र के लिए निकल चुके हैं और वहाँ पर नए इरादे युवा सरकार की थीम पर कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश की 70 विधानसभा हैं उसमें आज भाजपा जश्न मना रही है। राज्य सरकार के 5 साल होने जा रहे हैं, उससे ठीक पहले जनता के बीच में जाकर राज्य सरकार की क्या उपलब्धि रही है, विकास की योजनाएं हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में आज इस कार्यक्रम में बताया जाएगा और लोगों को संवाद कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि अलग अलग चाहे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हों, राज्य सरकार के मंत्री हों, राज्य सरकार के विधायक हों, अलग अलग अपनी विधानसभा में जाकर आज लोगों से संवाद करेंगे और जनता के बीच में जाकर बातचीत करके ये बताएंगे आखिरकार पिछले 5 साल में राज्य सरकार की क्या उपलब्धि रही है, विकास की कितनी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। और मकसद दीपा यही है कि 2017 में जो जीत भाजपा की प्रचंड बहुमत के रूप में यहाँ पर हुई थी वही जीत 2022 में भी दोहराई जाए। आचार संहिता लगने वाली है, उससे ठीक पहले राज्य सरकार के ऐसे प्रदेश भर में आज कार्यक्रम है और जश्न का माहौल है और मकसद इस बात का है कि आखिरकार जनता के बीच में जाकर जो सरकार की उपलब्धि है पिछले 5 साल में कितनी उपलब्धि राज्य सरकार की है, विकास की योजनाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा है उसको लेकर आज 70 विधानसभा में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा खटीमा के लिए निकल चुके हैं, वहां पर नए इरादे युवा सरकार की थीम पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले। जो विकास के काम हुए हैं 5 साल के दरमियान उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और आगे क्या पूरा रोड मैप रहेगा ये भी बताएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। बहुत शुक्रिया विनोद आपका पूरी जानकारी।